सितारगंज चीनी मिल में रिपेयरिंग का काम कर रहे एक वर्कर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। साथ ही वर्करों के मुताबिक मृतक का नाम राजाराम है, जो उत्तर प्रदेश के पितापुर देवरिया का निवासी था। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वर्कर अचानक 30 फीट की ऊंचाई से गिर गया, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है रिपेयरिंग का काम करते हुए ICCPL कंपनी करवा रही थी। वहीं वर्करों ने कहा कि कंपनी की ओर से सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अपनी कंपनी के ने सेफ्टी पर ध्यान नहीं होता तो यह हादसा नहीं होता। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। थे और क्या नाम है, जब ये लंच समय पे छूटने वाले थे तो नीचे का पैनल इतना गला हुआ है कि उसकी ना मरम्मत हुई ना कुछ हो रहा है, और उसके वजह से इनका घटना हो गया। मतलब क्या नाम, वहां से वो गिर गए, गिर के वहीं पे मतलब उनकी डेथ हो गया। रास्ते में लाते लाते रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। अब वो रहने वाले ग्राम पोस्ट बंगरुआ के थे और देवरिया जिला के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के, कोई वहाँ पे सुविधा नहीं। 12:40 पे राजा राम नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र 55 साल है, ये चीनी मिल में वर्कर था, वहाँ ये किसी ऊंचाई से गिरा और इसकी हेड इंजरी हुई है, जिससे इसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई। इसे हॉस्पिटल लाया गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेज दी है और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई इसकी अब आगे होगी।